सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं लव तिवारी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आपको मैंने मस्कुलोस्कोपी के पहले वीडियो में बताया था कि मस्कुलोस्कोपी एक बड़ी भयानक बीमारी है और इसके धरती पे और विश्व के किसी भी देश में इसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया है। लोग इससे बहुत परेशान हैं, परेशान के साथ उनको बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे चलने में, उठने में, बैठने में, दैनिक कार्य जैसे आपका लैट्रिन, बाथरूम। कई बार क्रिटिकल केसेस होने के उपरांत व्यक्ति को सांस लेने में भी समस्या होने लगती है। इसके अलग अलग टाइप, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। आज मैं दूसरा जो वीडियो लेके आया हूँ उसके पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है आप मस्कुलोस्कोपी से रिलेटेड सर्टिफिकेट, जिसको विकलांग सर्टिफिकेट बोला जाता है, विकलांग प्रमाण पत्र बोला जाता है, उसे हम कैसे बनवाएं। आज मेरी बात हो रही थी हमारे अपने जिले गाजीपुर उत्तर प्रदेश के सैदपुर तहसील के मिस्टर रविकेश चौहान जी से। रविकेश चौहान जी जो हैं आपके, वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तहसील के सैदपुर तहसील के रहने वाले हैं और इन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट बनवाया है। सर्टिफिकेट इन्होंने बनवाया है मस्कुलोस्कोपी का। मस्कुलोस्कोपी का जो सर्टिफिकेट, इनको बीमारी मस्कुलोस्कोपी है लेकिन इनका जो सर्टिफिकेट बना है वो सर्टिफिकेट में लोकोमोटर डिसेबिलिटी मेंशन किया हुआ है। यही सबसे बड़ी समस्या है, हमें समस्या है मस्कुलोस्कोपी का, और हम जाते हैं डॉक्टर के पास, उसको अपने रोग के बारे में नहीं बताते हैं, तो डॉक्टर आपके शरीर में चलने और दौड़ने और शारीरिक विकलांगता के वजह से वो आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आपका ऑप्शन डाल देता है। जबकि नया वेबसाइट जो है swalambankard.government.in, जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है, उस आईडी पर आप प्रॉपर आपको मस्कुलोस्कोपी नाम का ऑप्शन आ रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सर्टिफिकेट है, जैसे आज से 2018-19 से पहले जो सर्टिफिकेट बनता था, या 15-16 में जो मैंने बनवाया था, ये सर्टिफिकेट हाथ से बनता था। हाथ से, जो हाथ से लोग उसमें मेंशन करते थे और मेंशन के साथ इसको सर्टिफिकेट में मेंशन किया जाता था, ये हाथ से बनता था। और उस समय जब हाथ से बनता था उस दौर में भी मैंने अपने शारीरिक विकलांगता और अपनी बीमारी के बारे में मेंशन किया था, जिसमें लिखा होगा मस्कुलोस्कोपी, सफरिंग फ्रॉम द मस्कुलोस्कोपी। देखिए यहाँ पर पोर्शन है आपका मस्कुलोस्कोपी करके। बाद में ये 5 ईयर के लिए बना था, उसके बाद नई सरकार आई, उसने व्यवस्था दिया हमें कि आप ऑनलाइन एक हम पोर्टल लॉन्च करें, उस पर आप सर्टिफिकेट बनवाइए। उस सर्टिफिकेट के लिए जब हमने अप्लाई किया, इस वाले सर्टिफिकेट पर भी देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ही इज़ अ केस ऑफ मस्कुलोस्कोपी, तो मस्कुलोस्कोपी है आपका। अब इसमें क्या होता है, मैं अपने कैमरामैन शुभम मौर्य जी से कहूँगा कि अपने कैमरा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो ये मिस्टर त्यागी जी हैं, रविकेश चौहान जी हैं, इनकी देखिए पूरी मैंने फाइल खोला था, इसको लॉगिन किया था इस स्वावलंबन card.government.in पे। इन्होंने पूरा पूर्ण रूप से सब इन्होंने ऑनलाइन कराया था, इनके पास भी हाथ से बना हुआ सर्टिफिकेट था, ऑनलाइन किया था। तो ऑनलाइन करने के बाद देखिए यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया इनका, डाउनलोड योर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ डिसेबिलिटी भी करेंगे तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर जब हमने डाउनलोड किया है तो ये डाउनलोड हो गया आपका। और डाउनलोड के साथ जब मैं इसको शो करके दिखाता हूँ आपको, तो इसमें भी देखिए मेंशन किया हुआ है आपका, ये देखिए इनका नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ, इनका पता के साथ, इसमें ही इज़ अ केस ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। मतलब ही इज़ अ केस ऑफ मस्कुलोस्कोपी नहीं है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब एक बात बताइए, हम पीड़ित हैं मस्कुलोस्कोपी नामक भयानक बीमारी से और हम अपने केस में मेंशन कर रहे हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। किसके केस में मेंशन होता है, पैर में पोलियो हो गया है, पैर में अन्य समस्याएं होगी, एक्सीडेंटल हो गया है, जिसका हाथ पर प्रॉब्लम कर रहा है, उसके केसेस में आपका लोकोमोटिव डिसेबिलिटी होता है। जो पैर से रिलेटेड जो समस्याएं होती है, जिस व्यक्ति को चलने में दिक्कत होती है, उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी में रखा जाता है। हम मस्कुलोस्कोपी हैं, हमारी एक अलग बीमारी है, हमारी बीमारी को रेयर डिजीज में रखा गया है। अब एक बात बताइए, जब आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में रहेंगे
तो आपको सरकार जब डेटा चेक करेगी तो उसमें आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ही ना शो करेंगे, आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या रेयर डिजीज में आप नहीं आएंगे। तो हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है, आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप जब भी अपने विकलांग सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करें तो उसमें जो टाइप्स है, जो आपकी जो बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसे आप मेंशन करें। जब आप उसे मेंशन करेंगे तभी सरकार सीनस के बिहार पे जब चेक करेगी तो आपका पता चलेगा कि आप किस बीमारी से पीड़ित हैं। इसीलिए सबके पास यही इन्फॉर्मेशन है कि 5 लाख लोग, 10 लाख लोगों में केवल 2 लोगों को, 5 लोगों को ये भयानक बीमारी होती है। ये मेरे ज़िले का अपना केस है, मेरा ज़िला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का, जो 7 तहसील है, उस 7 तहसील में एक तहसील सैदपुर है, सैदपुर के पास का एक गांव है, उस गांव का ये केस है। ये 2 भाई हैं, रविकेश चौहान जी और इनका एक बड़े भाई हैं, जो दोनों भयानक बीमारी से पीड़ित हैं और दोनों ने जो अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मेंशन किया हुआ है। सरकार को जब आप बताएंगे तभी सरकार को पता चलेगा कि पूरे भारत में कितने लोग इस भयानक बीमारी से पीड़ित हैं, तभी सरकार कुछ काम करेगी। उसके लिए हम आपको बार बार कह रहे हैं, कुछ लोग, रविकेश जी को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि रविकेश जी जैसे लोग आगे आए और सर्टिफिकेट बनवा के अपना मेंशन कर रखे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी अभिभावक हैं जिनको मैं बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी वो अपने बच्चों का या अपने पीड़ित जनों का सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं। कोई भी व्यक्ति जो अगर सरकारी संस्थाओं में या सरकारी स्वास्थ्य अस्पतालों में अगर जाता है और सर्टिफिकेट बनवाता है तो उसमें सबसे पहले अपने टाइप्स में, अपनी डिसेबिलिटी टाइप्स में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मेंशन करे और आगे की कार्रवाई कराए डॉक्टर से। दूसरी चीज़ आपका कि एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पास आया था कि सर्टिफिकेट के लिए हमारे पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर प्रमाण पत्र है आपके पास तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको लक्षण के बिहाफ पे भी डॉक्टर बना देगा। जैसे रविकेश जी का देखिए केस, रविकेश जी ने जब 10 साल पहले जब फोटो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर लगाया तो उनके हाथ पैर दोनों पतले पतले दिखा रहे हैं। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी की ये लक्षण है, हाथ का पतला होना, पैर का पतला होना। अगर आप डॉक्टर से मेंशन करोगे कि सर हमारे कुछ रिपोर्ट हैं, जैसे आपके क्षेत्र के फेमस अस्पताल के, जैसे हमारे क्षेत्र में जो फेमस अस्पताल है BHU है आपका, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जिसमें CPK वैल्यू है आपकी, अन्य डॉक्टर वहाँ के डॉक्टरों ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ कि आपको एक भयानक बीमारी, उस सर्टिफिकेट से भी आपका काम चल जाएगा। तो आप जब भी जाएँ उन सर्टिफिकेटों को लेके जाएँ और अपने लक्षण के बिहाफ पे भी आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए हम कैसे अप्लाई करें और उनमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए हम आपको फिर से बता देते हैं कि उस जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक फ़ोटो, ईमेल ID, 2 मोबाइल नंबर, आपका ब्लड ग्रुप, अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है जैसे हाथ का बना हुआ है तो वो सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ब्लड ग्रुप हो गया आपका, सर्टिफिकेट हो गया और आपका हाथ से एक बार, अगर हाथ से अगर आप लिख सकते हैं तो हाथ से सिग्नेचर हो गया आपका, और क्या बोलते हैं आपका घर का पता, आधार कार्ड जो है आपका, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड चाहिए, यही 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है। इन डॉक्यूमेंट्सों के आधार पर हम आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपके रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन के साथ आपका जो है उस रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे आपको एक PDF प्राप्त होता है, उसका प्रिंटआउट लेके आइए, प्रिंटआउट के साथ आप आधार कार्ड को संलग्न कीजिए, अटैच कीजिए और आप सर किसी आप अपने ज़िले के किसी भी सरकारी अस्पताल में पहुँच के आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम आप सभी को।